असलम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के सेशन में बात होगी कन्जंक्शन की जंक्शन का जो लफ्स है उसका ये मतलब है कि जहाँ पे कोई सड़कें दो या कोई रास्ते मिल रहे होते हैं वो एक जंक्शन होता है तो कंजंक्शन भी एक क्या वही हिस्सा है जहाँ पे कोई एक बात और दूसरी बात मिल रही होती है वो एक ही जुमला कंटिन्यू कर रहा होता है अभी फुल स्टॉप नहीं आया होता लेकिन उसमें कोई एक बात में दूसरी बात का इजाफा हुआ होता है जो उससे मुख्तलिफ होती है या कॉन्ट्रास्ट में होती है या सेम होती है उसकी और डिफरेंट वर्ड्स हैं जो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं उन वर्ड्स को कन्जंक्शंस कहते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है इसकी कुछ लिस्ट हमने तैयार की है जैसे कि बिकॉज आई एम लेट बिकॉज इट वॉज़ रेनिंग तो दो चीज़ें एक फैक्ट ये कि मैं लेट हूँ और दूसरा फैक्ट ये मैंने दिया है कि बारिश हो रही थी और बीच में उस दोनों को कनेक्शन किया है कॉज एंड इफेक्ट का बिकॉज दे के यानी एक की वजह से दूसरी चीज़ हुई है सो दैट्स हाउ बिकॉज विच इज़ अ सिंपल वर्ड दैट्स हाउ इट्स यूज देर फॉर के भी सिमिलर मीनिंग हैं इट वॉज रेनिंग देर फॉर आई एम लेट उसमें सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं हाउ एवर एंड बट एफ सो दो ऑल दो सिंस आ इधर और ये एक पेयर्स में यूज़ होते हैं न इधर नॉर और नॉट ओनली और बट ये कुछ कंजंक्शन हैं जो पेयर्स में यूज़ होते हैं एक ही सेंटेंस में उनकी मिसालें अभी आगे चल के देखेंगे एंड के लिए कोई मिसाल नहीं है बिकॉज एंड इज़ ऑलरेडी used a एंड इट्स इवन ओवर overused. कई दफ़ा लिखे में ये होता है कि आपको चाहिए कि आप फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर लें लेकिन आप एंड एंड करते जा रहे होते हैं सो इट्स ओवर And एंड के बारे में ये एडवाइस है कि आप ये देखें कि कैसे उसको कम इस्तेमाल करें या गैर ज़रूरी इस्तेमाल उसका ना करें क्योंकि वो अगेन वो लिखे हुए में झोल सा आ जाते हैं ये कुछ नमूने के सेंटेंसेज हैं जस्ट टू शो हाउ इट वर्कस इवन दो शी हैज़ मनी she lives lavishly. Even though का मतलब होता है गो के यानी कि दो फैक्ट्स हैं इसमें एक तो ये कि उसके पास पैसे कम हैं और दूसरा है ये कि वो ऐश की ज़िंदगी गुजारती है और क्योंकि इन दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों में अग्रीमेंट नहीं है एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि पैसे कम होने के बावजूद कोई शख्स लैविश या ऐश की ज़िंदगी गुजार है तो इवन दो का मतलब है गो के इवन दो शी हैज़ लिटिल मनी शी लिव्स लाविशली इसी को एक और तरह भी कह सकते हैं ऑल दो शी हैज़ लिटिल मनी शी लिवस लेविशली ये सब कन्जंक्शनज हैं सिमिलरली शी हेज़ लिटल मनी बट शी लिवस लैविशली उसके बावजूद वो लैविशली रहती है शी हेज़ लिटल मनी हाउ एवर शी लिव्स लैशली अच्छा अब जैसे हमने बात की कि, कि लैंग्वेज में कुछ तो चीज़ें हैं बिल्कुल कि ये एबसोलूटली इनकर है ये करेक्ट है ग्रामर में लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको सुन के लगता है कि ये मीनिंग के हिसाब से ठीक है लेकिन जो फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का टोन है उसके हिसाब से आप तय करते हैं कि ये चीज़ इस जगह पे मुनासिब है कि नहीं तो हावेवर मानी के अतबार से तो यहाँ पे ठीक है और ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट नहीं है बट हावर इज़ अ वेरी फॉर्मल वर्ड और इस जुमले में जहाँ पे किसी की बात हो रही है और उसके लाइफ की कोई बात हो रही है शायद अपने दोस्त की बात हो रही है इट्स नॉट अ रिपोर्ट इट्स लाइक अ फ़िक्शन पीस तो उसमें हावेवर का लफ्स इतना अच्छा मैच नहीं हो रहा और ऐसे ही एक आपकी इंटरेस्ट के लिए कह रही हूँ कि अगर इसमें आपने अपनी शौक और जजमेंट को और क्रिटिसिज्म को ज़्यादा एम्फोसाइज़ करना है तो आप इसमें स्टिल का वर्ड ऐड यूज कर सकते हैं विच इज़ नॉट अ कंजंक्शन लेकिन ये कि उसको कंजंक्शन में ज़रा सा पंच उससे ऐड हो जाएगा जैसे अगर आप कहें इवन दो शी हैज़ लिटल मनी स्टिल शी लिव्स लैविशली उसके बावजूद वो लैविशली रहती है तो so, इस तरह आप अपनी बात को एम्फोसिस दे सकते हैं इसी के और कुछ एग्जाम्पल्स हैं ही फोगॉट टू ब्रिंग फूड ऑल दो आई हैड रिमाइंडेड हिम ट्वाइस ही फोगोट टू ब्रिंक द फूड इवन दो आई हैड रिमाइंडेड हिम ट्वाइस आई हैड रिमांडेड हिम ट्वाइस बट ही स्टिल फॉर गॉट टू ब्रिंग द फूड आई हैड रिमांइंड हिम ट्वाइस हाउेवर ही स्टिल फॉर गॉट टू ब्रिंग द फूड सो हाओ एवर इन जुमलों में ये रोज़मर्रा टाइप के जुमले हैं कोई लोग अपने शायद दोस्तों की या उसकी बात करें हाओ एवर इज़ नॉट फिटिंग वेल एंड वी कैन सी इट एंड हेयर इट एंड जज कि ये यहाँ पर इतना फिट नहीं आ रहा सो दिस आर हाउं दिस इज हाउ कन्जंक्शन आर यूज इन द मिडिल ऑफ सेंटेंसिस टू कनेक्ट पीसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दैम अच्छा ये तो कुछ थे जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट था दोनों पीसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन में अब कुछ ये हैं जिसमें कि आप किसी एक चीज़ का रीज़न दे रहे हैं जो चीज़ हुई है उसका रीजन दे रहे हैं जैसे बिकॉज था बिकॉज के ही कुछ हम मायने और भी अल्फाजें लेकिन उनकी पोजिशनिंग साइटली डिफरेंट होती है जैसे कि सिंस सेंस आई एम अ बैंकर फ्रेंड्स ऑफन आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस क्योंकि मैं बैंकर हूँ फ्रेंड्स ऑफन आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस बिकॉज आई एम अ बैंकर अच्छा इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है जो कि गलत नहीं है लेकिन यह कि इट्स नॉट वेरी वेल लाइक इट्स नॉट वेरी वेल रिस्पेक्टेड कोई इतना बेहतर समझा नहीं जाता या अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई एम अ बैंकर फ्रेंड्स ऑफन आस्क मी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस बिकॉज का लफ्ज़ से जुमला शुरू करना अगर बहुत कोई आपके लिए रीज़न है या कोई और तरह से जुमला आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा तो करें अदरवाइज़ टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद बिकॉज इज़ नॉट ओके सिंस के साथ आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन बिकॉज के साथ सेंटेंस स्टार्ट करना इतना बेहतर नहीं है उसके बाद सो so का वर्ड भी इसी तरह एक कन्जंक्शन है आई एम अ बैंकर सो फ्रेंड्स आसमी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस सिमिलरली देर फॉर भी इसी सेंस में यूज़ होता है लेकिन जैसे हव थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड था उसी तरह देर फॉर बी ज़रा सा फॉर्मल वर्ड है आई एम अ बैंकर देर फॉर फ्रेंड्स आसमी फॉर फाइनेंशियल एडवाइस दीज आर ऑल कंजंक्शंस इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं करें कुछ सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी बता रहे हैं टू स्टार्ट यू ऑफ एंड देन यू कैन लुक इट अप फर्दर एज़ वेल अच्छा कुछ कन्जंक्शंस हैं जो दो दो इकट्ठी यूज़ होती हैं जैसे नाइदर नॉर नाइदर ब्राज़िल नॉर यूरोगोए रीच द फुटबॉल फाइनल यानी कि ना ये ना ही वो दोनों ही नहीं हुए इसी तरह नॉट ओनली इज़ ही फेमस बट ही इज़ ऑल्सो अग्रेटेड यानी ना सिर्फ वो ये काम अच्छा करता है वो ये दूसरा काम भी अच्छा करता है ना सिर्फ उसमें ये ख़ूबी है बल्कि ये एक और ख़ूबी भी है या खराबी है या कुछ सिमिलरली जैसे ये है यहाँ पे ठीक है अच्छा आइदर और का भी एक पेयर है कंजंक्शन का जो इकट्ठा यूज़ होता है आई कैन आइदर गो टू मरी और टू बुर यानी आप उसमें चॉइस आपने बनानी है दो चीज़ों के बीच में आइदर और बट जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें कंजंक्शन यूज़ करें और उसको यूज़ करने का मज़ा देखें और उसको देखें कि आप उससे कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं एग्जांपल्स आपके सामने हैं लेकिन इसको लेके आप आगे अपनी मर्ज़ी से बढ़ सकते हैं